नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं CTET एग्जाम डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CTET की परीक्षाओं की तिथि के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आप लोग के लिए आ रही है और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको और मिलने वाली है। तो कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए खास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल के साथ नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको CTET एग्जाम डेट की जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहती है इस चैनल के साथ साथ आपको मिलती रहती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको CTET से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो वहाँ पर आपको फास्ट अपडेट किया जाता है। तो वहाँ पर आप आसानी से पढ़ के आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो आसानी से टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय न वेस्ट करते सीधे टॉपिक में चलते हैं, पूरी अपडेट विद प्रूफ आपको हम बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक न्यूज़ पब्लिश हो रही होगी, वहाँ पर आप लोग हेडलाइंस भी देखेगा, जाने कब आयोजित होगी आपकी CTET की परीक्षाएं। तो यहाँ पर मैं चलिए पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा CBSE CTET एग्जाम डेट 2020 CBSE केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET की नई तिथि को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने आधिकारिक ट्वीट के जरिए कहा है कि हालात सामान्य होने पर CTET परीक्षाओं की नई तिथि को लेकर सूचना दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि CBSE ने यह ट्विटर पर एक अभ्यर्थी के ट्वीट के जवाब में कही है और इसके जवाब में CBSE ने ट्वीट किया कि जब परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल स्थिति होगी तभी आपकी नई CTET परीक्षा तिथि के बारे में सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि जो अभी आपकी सूचना दी जाएगी यानी कि एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की जाएगी, अभी आपको सूचना दी जाएगी कि यहाँ पर आपके इस तारीख से CTET के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ये बताएंगे आपको कि CTET का एडमिट कार्ड इस तारीख को आ रहा है, फिर आपकी परीक्षा इस तारीख को होने वाली। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो CTET की परीक्षा की तिथि के बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं दी जाएगी, पहले आपको नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया जाएगा कि आपकी परीक्षाएं के संबंध में यह सूचना है और आपके एडमिट कार्ड इस तारीख को आने वाले हैं, आपके बाद में बताया जाएगा कि हाँ CTET का परीक्षा इस तारीख को होगी। तो आप समझ गए होंगे कि CTET की परीक्षा अभी आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि CBSE के इस रवैये से अभी नोटिफिकेशन जारी करेगी, बाद में आपकी CTET एग्जाम डिक्लेयर करेंगी, या फिर अभी कोई भी डेट भी क्लियर नहीं बताई है, कम से कम डेट बता दी, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कुछ ऐसी अपडेट नहीं दी है। जो CBSE की तरफ से अपडेट आई है तो वो आप लोग ने देखा कि अभी स्थिति अनुकूल बता रहे हैं कि अभी स्थिति अनुकूल आपकी नहीं है CTET एग्जाम करवाने के। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है, सब कुछ खुलता नजर आ रहा है, फिर ये लोग आप लोगों को ज़्यादा ही टेंशन कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स वो लगभग 95% स्टूडेंट तैयार हैं कि हमारी CTET की एग्ज़ाम इसी कोरोना पैंडेमिक में ही कराई जाए। तो आप जब स्टूडेंट तैयार हैं तो आप फिर CTET का एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोरोना पैंडेमिक की वजह से अपनी परीक्षा नहीं देना चाहते थे, वो काफ़ी प्रदर्शन भी किए थे, कोर्ट में भी मैटर गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनकी जो परीक्षा है वो जबरदस्ती करवाई गई थी उस कोरोना की स्थिति में। तो आप लोग जब बिल्कुल तैयार हैं कि हमारी CTET की परीक्षा करवाई जाए तो यहाँ पर आपके लिए अनुकूल स्थिति और आपके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है कि आपकी जो स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, अभी स्थिति अनुकूल हो जाएगी फिर आपकी CTET एग्जाम डेट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर आपकी जो CTET की परीक्षा करवाई जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो CBSE बोर्ड अभी आपके CTET एग्जाम डेट डिक्लेयर करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, वो बता रही है कि जब तक कोरोना की स्थिति अनुकूल नहीं होगी तब तक आपके CTET एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में क्या है कि CTET की परीक्षाएं कब तक संभावित हो सकती हैं या फिर कब तक डिक्लेयर हो सकती हैं, आप लोग अनुमानित डेट और अनुमानित महीना बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको CTET की जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है विद प्रूफ आपको दिखाई जाती है, तो आप लोग भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी CTET की जुड़ी जो भी अपडेट आती रहती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि CTET की परीक्षाओं की जो भी लेटेस्ट अपडेट आए हमें सबसे पहले मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।